हेलो फ्रेंड्स, आर्यन सावत हियर। आज मैं आपका वर्ल्ड फेमस जो दूसरों के लिए जीते थे, जो दूसरों के लिए काम करते थे, वो और कोई नहीं मदर टेरेसा जी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो दूसरों के लिए हर एक काम करते थे, अपना पूरा जिंदगी दूसरों के लिए दे दिए। क्या आप जानते हैं कि दूसरों के लिए जीने से क्या होता है? क्या आप जानते हैं आपके वर्क को खुशी से, लव से, प्यार से करने से क्या होता है? और क्या आप जानते हैं कि आप इस धरती में जन्म क्यों लिए हैं, किस मकसद से जन्म लिए हैं? अगर नहीं जानते तो बने शुरुआत से अंत तक और जान लीजिए सभी सीक्रेट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पॉइंट है लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए काम करना है। यही मोटो के साथ मदर टेरेसा जी जीते थे। उनके अनुसार टीबी सबसे बड़ा रोग नहीं, सबसे बड़ा बीमारी नहीं है, वो एक फिजिकल डिजीज है जो मेडिसिन के द्वारा ठीक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा डिजीज है लोनलीनेस, सैडनेस, अकेलापन जो लोग आज जी रहे हैं। लोगों को प्यार का जरूरत है, लोगों को खुशी का जरूरत है, लोगों को कुछ देने का जरूरत है, और आज के डेट पे बहुत बड़ा नीड है जो एक मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता है। इसके लिए लोग चाहिए, लोगों को बड़ा दिल चाहिए, और लोगों को कुछ गिविंग का पावर, एक एबिलिटी चाहिए, गिव करना, कुछ देना एक नॉर्मल चीज नहीं, वो एक आर्ट है, एक कला है, जो ये सीख ले वो लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो हमें ये चीज से सीखने को मिलता है, चाहे कोई भी स्पेशल ओकेशन हो या स्पेशल ओकेशन ना भी हो, हमेशा कुछ देना है, हमेशा कुछ करना है, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है। जो प्रिविलेज नहीं है इतने कि सब कुछ पा सके, जो आपके पास है उनको कुछ देना है। तो हमें ये पॉइंट से क्या सीखने मिलता है, जो लोग इतना प्रिविलेज नहीं है, शायद इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको थ्राइस अ डे मील नहीं मिलता है, जिनके पास घर नहीं, जिनके शेल्टर नहीं है, उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए कुछ देना है, जो एक्चुअल में लोनली है, जो एक्चुअल में सैडनेस से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, उनको हम हेल्प कर सकते हैं। हमेशा दुनिया के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, लोगों को कुछ देना है। ये आर्ट को हमारे अंदर लेके आना है, कला को हमारे अंदर इंस्टॉल करना है, बिकॉज ये कला जो जान ले, जो सीख ले, उनका लाइफ पूरा यूटर्न हो जाता है। बिकॉज इसके अगर मैं बेनिफिट्स बताऊं तो इसके मुश्किल से कई गुना है इसके बेनिफिट्स, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स अगर मैं बोलूं तो पूरा वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिंपल में बताऊं, आपको 3 times नेचर का रूल है, जितना आप अच्छा करेंगे उसका 3 times मिलेगा, जितना आप बुरा करेंगे उसका भी आपको 3 times मिलेगा, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन आपको बिना बेनिफिट सोचे आपको कुछ करना है, कुछ देना है, और ये मिशन के साथ आगे बढ़ना है। तो सेकंड पॉइंट है, वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर ग्रेटर थिंग्स। हम बड़ी चीजें करने के लिए जन्म लिए, हम कुछ बड़ा करने के लिए जन्म लिए, सिर्फ नंबर्स, डिग्रीज, डिप्लोमास के लिए नहीं, हमने कुछ नाम बनाने, कुछ ब्रांड बनाने के लिए, या कुछ कुछ बड़ा करने के लिए, नेक्स्ट लेवल करने के लिए जन्म लिए। चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो कोई भी लेवल का वर्क हो, उसमें कुछ मास्टरी पाने के लिए, उसमें नंबर वन बनने के लिए, कुछ ब्रांड बनाने के लिए हम जन्म लिए। मदर टेरेसा का ये रूल था कि हमेशा कुछ भी करना है तो सबसे बेस्ट करना है, सबसे आगे करना है, और ऐसा करना है कि वो कोई भी ना कर पाए, कॉपी ही ना हो पाए, इस लेवल का करना है आपको कोई भी काम, और करना है तो उसमें कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ करना है। उनके हर एक थॉट में, मेरे माइंड में 60,000 थॉट आता है, उनके अनुसार मेरे हर एक थॉट में कुछ ना कुछ देने के बारे में जरूर होता था, कुछ ना कुछ गिव करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है। और ऐसे ही बड़े चीजों, चाहे वो कोई भी, चाहे वो गिविंग के ऊपर हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन में हो, चाहे आपके काम पे हो, चाहे कोई भी स्टडीज हो, आपको उसमें बड़ा करना है, नेक्स्ट लेवल करना है, और कुछ ऐसा करना है कि दुनिया में ऐसा कोई भी ना कर पाए आपकी तरह। तो थर्ड पॉइंट है, योर वर्क मैटर्स, डू इट विथ लव। मदर टेरेसा जी के अनुसार वो उनके काम को पूरे शिद्दत के साथ, पूरे प्यार के साथ, पूरे जुनून के साथ, सब कुछ लगा रहे थे उनके काम के ऊपर। उनका काम था लोगों का केयर करना, लोगों को हेल्थ को सुधारना, और ऐसे बहुत सारी चीजें करते थे। लेकिन आज क्या था कि चाहे कोई भी काम हो उसको लव के साथ करना है। सुंदर पिचाई जी भी यही बोलते हैं, चाहे जितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे जितने बड़े सबसे नेक्स्ट लेवल जॉब करते, सुंदर पिचाई जी सबसे बड़े एग्जाम्पल है, हाईएस्ट पेड सैलरी उनको दिया जाता है, वो भी ये बोलते हैं, और सभी सक्सेसफुल पर्सन बोलते हैं आपके काम को प्यार के साथ करना है और 100% देना है। ये मैं बहुत सारे वीडियोज में बोल चुका, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है. आप जो भी काम करते हो अगर आप उसे हेट के साथ करोगे, इसीलिए वही रीजन रहता है. मोस्ट पीपल बोलते हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं होता, ये काम ही बेकार है, इसीलिए ही आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, आप वो काम को हेट करते हो. आपने जरूर ये सुना रहेगा डायलॉग, जिस थाली में खाकर छेद करना ये अच्छी बात नहीं होती है. विद द सेम वे, जो काम आप करते हैं उसे कभी भी आपको हेट नहीं करना है, उसे लव करना है. उससे दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. डिटेल कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊं, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, वो ही नेचर एक्सेप्ट करके उसे अप्लाई करता है. विद द सेम वे आज के तो काम को लव करना है, काम को 100% देना है, और सबसे जरूरी बात, काम को एक्सेप्ट करके प्यार के साथ अच्छा बोल के गुड वाइब्स दे के आगे बढ़ाना है. तो आज का वीडियो कैसा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. यू कैन विजिट माय अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स, यू कैन विजिट माय फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.